जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में, जहां आपके समक्ष हम रोजाना लेकर के प्रस्तुत होते हैं आज का राशिफल और आज का पंचांग। किन चीजों का रखना है आपको ध्यान और किन चीजों से रहना है आपको सावधान, क्या होगा आपके लिए शुभ समय और क्या होगा अशुभ समय, बस उसी की अगली कड़ी। उससे पहले कि शुरुआत करें कार्यक्रम की, आपको बता दें कि आगामी 3, 4 और 5 सितंबर को जयपुर में रहेंगे। जो लोग जयपुर से हैं, जयपुर के आसपास से हैं, उन लोगों के लिए मिलने का अच्छा मौका है। अगर वो लोग मुलाकात करना चाहते हैं तो जयपुर में हमसे मुलाकात कर सकते हैं 3, 4 और 5 तारीख को जयपुर में। मुंबई वाले अभी थोड़ा सा होल्ड करें, मुंबई की डेट अभी फिक्स नहीं हो पाई है। बाकी दिन आप हमसे गाजियाबाद में या दिल्ली NCR में मुलाकात कर सकते हैं, या आप फोन पर टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, एक ही हमारा ऑफिशियल नंबर है 9667423193, उसी नंबर पर आप संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग की। भाग्य दर्पण उम्मीद की एक किरण। दिनांक 25 अगस्त 2021, दिन बुधवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शाम 4:21 तक, तदुपरांत चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, रात 8:48 तक, तदुपरांत रेवती नक्षत्र रहेगा। योग शूल, सुबह 5:23 तक और तदुपरांत गंड योग रहेगा। राहु काल दोपहर 12:23 से दोपहर 2:02 तक और गुलिक काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:23 तक। राहु काल बेहद ही अशुभ समय होता है, इसलिए कोई शुभ कार्य इस समय पर ना करें। गुलिक काल बहुत शुभ समय होता है, कोई भी शुभ कार्य इस समय पर आप कर सकते हैं। यह थी बात आज के पंचांग की। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा बीतेगा यह आपका दिन, किन बातों का रखना है आपको विशेष ध्यान, आइए शुरुआत करते हैं। मेष राशि, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र आज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट में कोई संपत्ति संबंधी यदि मामला है तो पक्ष में जाने के पूरे योग बन रहे हैं। करियर में वांछित परिणाम आपको आत्मविश्वास में एक नई भावना से भर देगा। आपके कार्य की प्रशंसा होगी, कार्य से संबंधित छोटी यात्रा सार्थक होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी करने का फैसला ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन यथावत रहेगा, आप संतुष्ट और खुश रहेंगे आज। मेष राशि वालों को आज की सलाह, आज के दिन कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, बस आपको संयम और साहस से कार्य करना है। घमंड ना लेकर के आए अपने अंदर। शुभ रंग होगा आज आपके लिए संतरी और शुभ अंक होगा 4। वृषभ राशि, बिजनेस में फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। साथ काम करने वाले लोगों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों की लव लाइफ अच्छी हो सकती है। आपके कामकाज के तरीकों में बदलाव हो सकता है, जिससे आपको फायदा होगा। इसके साथ ही कामकाज की टेंशन कम हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। आमदनी बढ़ने की भी संभावना है। वृषभ राशि वालों को आज की सलाह, कुछ लोगों के साथ आपसी द्वेष सामने आ सकता है, लेकिन बात ना बढ़ाएं, आपस में सुलझा लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा और शुभ अंक होगा 2। मिथुन राशि, आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। ऑफिस का जरूरी काम आज पूरा हो जाएगा। सेहत के मामले में खुद को बेटर महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ लंबी बातचीत आपके रिश्ते में एक नई उमंग और नई ऊर्जा भर देगी। आज आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं। सामाजिक दायरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। आसपास के लोगों को मदद मिलेगी। दैनिक कार्यों को आप पूर्ण रूप से कर पाएंगे। जरूरतमंद को भोजन कराएं। घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों को आज की सलाह, अपने व्यक्तित्व को बदलने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अच्छा बदलाव आपके लिए आपको बहुत सारे अवसर प्रदान करने वाला है। शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद और शुभ अंक होगा 6। कर्क राशि, आज आप अपनी जिंदगी के कई क्षेत्रों को लेकर के परेशान रह सकते हैं। अपने फैसले बच्चों पर न थोपें। बच्चों पर थोपना आपके फैसले उन्हें नाराज कर सकता है। वाद विवाद में अपने अहम के कारण किसी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति आशीर्वाद की वर्षा करेगा और मन ही मन आपके अंदर की शांति आपके अंदर भर देगा। जल्दबाजी में निवेश ना करें। कामकाज की बारीकियों पर बहुत ध्यान देना है। बड़ी परेशानियों से निपटने के लिए पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मिल सकती है। कर्क राशि वालों को आज की सलाह, नए शत्रु बन सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से रहें। किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। शुभ रंग आपके लिए होगा स्लेटी और शुभ अंक होगा 9। सिंह राशि, आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। व्यावसायिक रूप से चीजें सुचारू रहेंगी और अच्छी प्रगति होगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपको आमदनी के नए रास्ते भी मिलेंगे। भाई बहनों और बड़ों के साथ
संबंध सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्राओं की योजना बन सकती है। आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय और खुशहाल रहेगा। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी से वाहन चलाएं तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि वालों को आज की सलाह, आवश्यकता से अधिक किसी चीज के बारे में सोचना आपके लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, फालतू का मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। ऐसे में किसी अपने के साथ उस बात को साझा करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए होगा केसरी और शुभ अंक होगा 7। कन्या राशि, आज बिजनेस और नौकरी के बड़े मामलों पर कुछ फैसले हो सकते हैं या प्लानिंग भी बन सकती है। पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है। आमदनी बढ़ाने और खर्चों में कटौती करने पर विचार कर सकते हैं। आज आप नौकरी या कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जीवन साथी से गिफ्ट मिल सकता है। प्रेमियों के लिए समय अच्छा हो सकता है। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है। नौकरी में बदलाव और पदोन्नति की संभावना है। आज आप किसी को बिना मांगे फालतू की राय ना दें तो बेहतर रहेगा। कन्या राशि वालों को आज की सलाह, घर वालों को किसी बात से समस्या हो सकती है, इसलिए आप उनसे बात करके उनके वहम को खत्म कर दें, वरना फालतू में रिश्ते बिगड़ेंगे। शुभ रंग आपके लिए होगा नीला और शुभ अंक होगा 5। तुला राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कारोबार में धन लाभ होने की संभावना है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर की दिशा को बदल सकती है। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। किसी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मनोरंजन के कुछ मौके अचानक से फिर मिल सकते हैं। मंदिर में गुड़दान करें, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। तुला राशि वालों को आज की सलाह, घर में किसी के साथ मतभेद उभर कर सामने आएंगे, लेकिन समझदारी से सुलझा लें, परिवार के लिए बेहतर होगा। विवाद न करें। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक होगा 6। वृश्चिक राशि, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको औरों का मार्गदर्शन करना होगा और उन्हें उत्साहित भी करना होगा। किसी अनजान शख्स से मुलाकात हो सकती है, उसकी बातों से प्रभावित होंगे, उसके विचार आपको पसंद आएंगे, लेकिन बहुत संभल कर रहें, धोखा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका अच्छा है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। फालतू की बकवासबाजी, फालतू की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। धार्मिक कार्यों में धन का व्यय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वालों को आज की सलाह, आज के दिन मंगल थोड़ा भारी है, जिस कारण छोटी मोटी परेशानियों से सामना हो सकता है। ऐसे में हनुमान मंदिर होकर के बजरंगबली की प्रार्थना करें, बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 3। धनुराशि, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आपका नाम और आप शोहरत हासिल करेंगे। आपके विरोधी निष्क्रिय रहेंगे और महत्वपूर्ण अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। सभी कार्यों में आपको प्रयासों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। कुछ महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होंगी। जीवन साथी के साथ संबंध सुखद होंगे, किंतु आपके रिश्तेदारों के साथ आपका मतभेद हो सकता है। बच्चों का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रह सकता है। धनुराशि वालों को आज की सलाह, पैसा आज कहीं ना लगाएं, ना किसी को उधार दें, वरना फंस सकता है और अटक भी सकता है। शुभ रंग आपके लिए होगा भूरा और शुभ अंक होगा 1। मकर राशि, पुरानी परेशानियां खत्म होने के योग बन रहे हैं। स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। रुके हुए काम को पूरा करने की कोशिश करें। बिजनेस और नौकरी में नए आइडिया मिल सकते हैं। आपका एनर्जी लेवल बढ़ सकता है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है, संभल कर रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें। सेहत के मामले में दिन ठीक है, बीमारी से राहत मिलेगी। मकर राशि वालों को आज की सलाह, किसी जानकार पर आपका आकर्षण आ सकता है, लेकिन आप उनसे कह नहीं पाएंगे। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें, उन्हें पूरा समय दें। शुभ रंग आपका होगा ग्रे और शुभ अंक होगा 8। कुंभ राशि, आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत बेहतर रहेगा। बहुत एनर्जेटिक आज फील करेंगे आप। किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही शाम को उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। किसी अपनों से आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस राशि के जो छात्र हैं उनका पढ़ाई के प्रति अच्छा रुझान बना रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। सुबह उठने के बाद धरती मां को छूकर प्रणाम करें, घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों को आज की सलाह, आज के दिन आपको अपने जीवन साथी से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। रिश्तों को संभालने के चक्कर में कुछ गलती ना कर बैठें, बस ये ध्यान रखें। शुभ रंग आपके लिए होगा मेहरून और शुभ अंक होगा 6। मीन राशि, आज आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन आपका रूखा बर्ताव माहौल को तनावपूर्ण या स्ट्रेसफुल रखेगा। मित्रों के ऊपर धन खर्च होगा। आज के दिन आपके अपने प्रिय से कोई तलख बात न कहें, आप विशेष रूप से आप ना कहें, प्रतिक्रिया ना करें,
किसी शख्स की आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए हो सकता है आपके पास आए वो शख्स। आज लिए गए निर्णय का असर आपके भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत अच्छी तरह विचार कर लें। मीन राशि वालों को आज की सलाह, मन असहज रहेगा, कुछ बुरे विचार मन में आएंगे, कुछ फालतू विचार मन में आएंगे, ऐसे में मन को शांत करने के लिए कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करने का प्रयास करें, बहुत सहायता मिलेगी, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी और शुभ अंक होगा सात। ये था आज का राशिफल, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा बीतेगा आज का आपका दिन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप ये वीडियोस Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारा Facebook पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।